हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप बात करेंगे बर्गर टाइप लेवल मेजरमेंट सिस्टम की। तो ये कैसे काम करता है और इसके एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं और ये कहाँ पे यूज होता है। तो इसके लिए हमें चाहिए क्या क्या होता है। एक तो हमें इंस्ट्रूमेंट एयर चाहिए होती है, दूसरा क्या चाहिए होता है, एयर फिल्टर रेगुलेटर, एक रोटर मीटर चाहिए होता है, एक टू वे मैनिफोल्ड वाल्व चाहिए होता है, एक प्रेशर ट्रांसमीटर और एक ये डिप ट्यूब या इसको सेंसिंग ट्यूब भी बोलते हैं। ये हमारी हाफ इंच की ट्यूब या पाइप कुछ भी हो सकता है। इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि इसमें सिर्फ जो सेंसिंग ट्यूब होती है या डिप ट्यूब होती है वही फ्लूइड के कांटेक्ट में आती है, बाकी सब बाहर रहता है। तो ये हमारा वर्क कैसे करता है, ये हमारा बैक प्रेशर सिस्टम पे वर्क करता है। इसमें क्या करते हैं, हम सबसे पहले ये एयर को हम रेगुलेट कर देते हैं जितनी हमें रिक्वायर्ड होती है और ये रोटा मीटर से 1 से 2 SCFH का फ्लो रेगुलेट करके फिर ये ट्यूब में जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जब पूरा टैंक खाली होगा तो मेरी पूरी एयर क्या है, ड्रेन होती जाएगी और यहाँ पे जो मेरा बैक प्रेशर है वो मेरा जीरो रहेगा, मतलब मेरा कोई बैक प्रेस एक्ट नहीं करेगा। जैसे जैसे ये मेरा लेवल बढ़ता जाएगा तो क्या होगा कि जो लेवल बढ़ा है वो रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे जनरेट करेगा, जिससे कि एक बैक प्रेशर जनरेट होगा। उस बैक प्रेशर को हम मेजर कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम उसको लेवल में ट्रांसमिट कर लेते हैं। तो ये इस तरह से हमारा वर्क करता है बर्गर टाइप लेवल मेजरमेंट सिस्टम। तो इसकी जो कैलकुलेशन रहती है वो कैसे रहती है, जो बैक प्रेशर बनेगा उसका जो फॉर्मूला वो रहेगा एच इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी। एच मेरे ये लिक्विड का लेवल है और स्पेसिफिक ग्रेविटी जैसे वाटर के लिए बन रहेगी। अब इसमें दूसरी बात आती है कि कंप्रेस एयर या इंस्ट्रूमेंट एयर जो रखनी है वो हमें कितनी रखनी है। तो ये जो हमें रखनी है, ये जो आपकी आईपी उससे ज्यादा रहनी चाहिए ऑलवेज, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज क्या होगी, फ्लो जो है वो 1 से 2 SCFH करेगा। SCFH क्या है, SCFH है स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट पर आवर, मतलब इतना हमें फ्लो देने ही है रोटर मीटर से। तो ये ऐसे करके काम करता है। अब इसके एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज क्या है, सबसे पहली बात तो इसमें सिर्फ डिप ट्यूब ही कनेक्ट रहती है लिक्विड के, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। ये क्या है, कोरोसिव या एसिडिक या एजार्डस या रेडियो एक्टिव लिक्विड्स में भी यूज हो जाता है। तीसरा क्या है, इसकी सिंपल असेंबली, कोई ऐसा कॉम्पैक्ट चीज नहीं है। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज इसमें यह है कि इसमें हमें कंटिन्यूस इंस्ट्रूमेंट एयर या कंप्रेस एयर चाहिए। दूसरा क्या है, ये क्या है, सिर्फ ओपन टैंक में ही काम करता है, क्लोज टैंक में ये सुटेबल नहीं है। तो ये हम कहाँ यूज करते हैं, ये जो हमारे कूलिंग टावर्स में सम्स होते हैं बड़े बड़े उनमें यूज होता है, स्विमिंग पूल में यूज होता है और ड्रेन सम्स में यूज होता है। तो ये हमारे बबलर टाइप लेवल मेजरमेंट सिस्टम का। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल।